विभूति शंकर ढौंडियाल, ये नाम शायद हम में से सभी ने सुन रखा होगा। थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देता हूँ, फरवरी 2019 कश्मीर में आतंकवादी से लोहा लेते हुए देश का एक वीर सपूत शहीद हो जाता है, ये उन्हीं का नाम है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ पर उसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ। जब उनकी पार्थिव देह उनके घर देहरादून पहुँची थी तो उस वक्त पूरे देश ने कुछ दृश्य देखे थे। दृश्य यूं थे कि उनकी जो पार्थिव देह थी उसके पास उनकी धर्मपत्नी निकिता वो खड़े थे और वो ये कहते हुए उसमें दिखाई दिए कि मुझे आप पर गर्व है, आई लव यू विभू। ये दृश्य न केवल सभी ने देखे मगर इन दृश्यों से जुड़े भावुक कर दिया। फिर से आप कहेंगे फिर भी आज इसका बताने का क्या मकसद है। खबर ये है कि मात्र 10 महीने में जिस निकिता ने अपने पति को खो दिया, उनके पति शहीद हो गए, जो 2018 में उनकी शादी हुई थी और 19 में विभूति शंकर शहीद हुए, और उस 19 से लेकर 21 तक आते आते न केवल विशुद्ध प्यार के अपितु अपने पति को जो श्रेष्ठतम श्रद्धांजलि देने का एक नया एग्जाम्पल, एक श्रेष्ठ एग्जाम्पल निकिता ने दिया है। हुआ यूं कि उनके जाने के बाद जो निकिता उस वक्त प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही थी उस जॉब को छोड़ती है, फिर वहाँ से एसएससी के लिए जाती है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करती है, फिर वहाँ से चेन्नई जाती है, एक कड़ी ट्रेनिंग लेती है और आज निकिता भारतीय आर्मी में लेफ्टिनेंट है। एक पति की यादों के साथ इससे खूबसूरत सफ़र हो नहीं सकता है। यकीनन कई ताजमहल खड़े खड़े देख रहे होंगे कि मोहब्बत की कहानी हो तो ऐसी हो, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और ये बताना मैं आज राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से इसलिए ज़रूरी नहीं चाहता था कि हमारे लोग, हमारे दर्शक ये जानें कि कुछ ऐसे लोग भी हैं इस देश में, इन लोगों का आप तक पहुंचना ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ते राजसमंद की खबरों के लिए। कोरोना के आंकड़े, 45 नए केस आए हैं, ठीक हुए हैं, एक डेथ रजिस्टर्ड हुई है। अब आते हैं राजनीतिक कुछ खबरें हैं आज की। राजनीतिक रूप से बड़े ही सक्रिय रहा राजसमंद का आज माहौल। राजसमंद सांसद दिया कुमारी जी आज राजसमंद में थे और बड़े ही तेज़ दौरे रहे उनके। शुरुआत उन्होंने दरीबा से की, वहाँ जो कोविड हॉस्पिटल बन रहा है उसका जायज़ा लिया उन्होंने, वहाँ चिकित्सकों से बात की, व्यवस्थाएँ देखी। उसके बाद रेलमगरा हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी व्यवस्थाएँ देखी और वहाँ से वो पहुँचे सीधा भाणा। जो खेल स्टेडियम की बातें चल रही थी उस खेल स्टेडियम का स्थान देखा उन्होंने और देखकर वहाँ के लोगों से बात की और जल्द ही वित्तीय स्वीकृति का उन्होंने एक विश्वास दिलाया। और फिर वहाँ से वो आरके हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी उन्होंने जिला कलेक्टर के साथ एक मीटिंग की और उसके साथ वहाँ की व्यवस्थाओं पर बात की, डॉक्टर से मिले। तो इस तरह से एक पूरा एक सक्रिय दिन उनका रहा। और इस पूरे दौरे में उनके साथ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी थे, कुमलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह जी थे, भाजपा नेता महेश प्रताप सिंह जी थे, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जी पुरोहित थे, मधुप्रकाशी लड्डा सहित तमाम भाजपा के नेता थे। खबर है कांग्रेस की तरफ से भी है। कांग्रेस सभापति और उपसभापति, उनके साथ उनके नगर अध्यक्ष बहादुर सिंह जी, तो अशोक जी टांग, चुनीलाल जी पंचोली, बहादुर सिंह जी चारण और उनके साथ तमाम कांग्रेस पार्षद, वो भी आज दिया कुमारी जी से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र के द्वारा मुफ्त फ्री वैक्सीनेशन का प्रबंध किया जाए, ये आग्रह हुआ। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि ब्रॉडगेज के विषय पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए और ये परियोजना भी जल्द से जल्द साकार की जाए। खबर अब राजसमंद विधायक की, वो भी आज हालांकि दिया कुमारी जी के पूरे दिन दौरों में साथ थे मगर एक खबर ये है कि उन्होंने आज 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन्स 2 स्वास्थ्य केंद्रों को भेंट की है, वणई और पीपली, यहाँ उन्होंने 2-2 मशीनें दी है और ये दोनों ही चारों ही मशीनें किरण माहेश्वरी स्मृति मंच के द्वारा दी गई है। ज्ञात हो कि 30 मई किरण माहेश्वरी जी की 6 माह पुण्यतिथि है, तो उस
उपलक्ष्य में स्मृति संस्थान के द्वारा, स्मृति मंच के द्वारा ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। अगली खबर खमनौर से। खमनौर से सूचना ये है कि वहाँ का जो चिकित्सालय है, वहाँ का जो स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर राजसमंद विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी साहब की प्रेरणा से भामाशाहों ने 20 बेड और 20 मैट्रेस की भेंट की है। जो नाथूद्वारा के श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट है, उसके दीपेश पारिक ने बताया है कि उन्होंने अपने पिता श्री अशोक पारिक और डॉक्टर बीएल झाट, इन दोनों के मार्गनिर्देशन में सीपी साहब की प्रेरणा से खमनौर हॉस्पिटल के लिए 20 बेड और 20 मैट्रेस की व्यवस्था की है। साथ में वहाँ चिकित्सा स्टाफ रहा। बताया गया कि सीपी साहब ने पूर्व में यहाँ लगातार निरंतर कोरोना काल में काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाओं का ध्यान दिया है। तो इन तमाम खबरों के बाद अब आते हैं इन दिनों के सबसे सुर्खियों में रहने वाले सेगमेंट पर, सवाल जवाब। कल मैंने पूछा था कि राजसमंद जिले में एक नया औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है, एक नया रिक्को बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है? काफ़ी लोगों ने जवाब भेजे। सही जवाब है बग्गड़। भीम और कामलीघाट के बीच में एक पंचायत है बग्गड़, वहाँ पर एक नया रिक्को डेवलप हो रहा है। आज के विजेता है लक्ष्मण जी गहरी, उन्होंने सबसे पहले ये जवाब भेजा, तो लक्ष्मण जी को बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं सवाल पर। थोड़ा सा अटपटा सवाल है, मगर इन्हीं बातों के लिए हैं, गूगल वाली चीज़ें फिर हमें अगर पूछने लग जाए तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा, आपको भी रुचि नहीं रहेगी। सवाल ये है कि राजसमंद में चार विधायक है, चारों के जो नाम है उसमें एक कॉमन चीज़ है, एक समानता है। वो समानता क्या है, खोजिए, हमें भेजिए खबरें, भेजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।